गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग इस वीडियो में 17th और 18th मई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं कि आपको पहले से कितना आता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि व्हेन इज द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे ये किस दिन को मनाया जाता है विश्व दूर संचार और सूचना सोसाइटी। तो देखिए हर साल 17th मई को ये मनाया जाता है, ठीक है। 1969 से लेकर अब तक ये हर साल मनाया हुआ आ रहा है, ओके। और इस बार 2020 की अगर हम थीम की बात करें तो इस बार का थीम था कनेक्ट 2030, कनेक्ट 2030 ICTC फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस बार का थीम था ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि जुबैर इकबाल जो हैं अभी रिसेंटली ही अपॉइंट हुए हैं किसके किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। जुबैर इकबाल हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक, किस बैंक के बने हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर। और देखिए ये बने हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नमेंट है इन्होंने ही अपॉइंट किया है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एचडीएफसी बैंक के ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे और इनको अपॉइंट किया गया है जुबैर इकबाल को किसके रूप में, न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किस बैंक के, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के, ठीक है। 15 मई 2020 को ये इनको अपॉइंट किया गया और ये आने वाले 3 साल के लिए ये रहेंगे, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, ठीक है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर साल किस दिन को ये ऑब्जर्व किया जाता है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 मई, ठीक है। 17 मई को ही वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है ऑब्जर्व होता है। और एक्चुअली इसका मेन पर्पस क्या है इसके पीछे, टू प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस, जो लोग हैं उनको अवेयर करने के लिए कि किस तरीके से इसमें इंक्रीजिंग जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और किस तरीके से ये साइलेंट किलर का काम कर रहा है, लोगों को मारने का काम कर रहा है, चुपचाप से ये काम करता रहता है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि उनका बीपी लो है या उनका बीपी हाई है, ठीक है, इसलिए किया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम ये इसको किया गया था 2005 में। और 2020 के थीम की बात करें तो 2020 का थीम था इस बार का, द थीम फॉर वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2020, जो कि था कि लिव लॉन्गर, ठीक है, योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल, लिव लॉन्गर, इस बार का थीम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में किस दिन को हम मनाते हैं। तो देखिए 16th मई को ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर साल 16th मई को मनाया जाता है, किस लिए, टू सक्सेसफुल ऑपरेशन, जो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था लेज़र के द्वारा 1960 में, जो एक फिजिक्स थे और एक जो इंजीनियर भी थे, कौन थे, थियोड्रो मैनमैन उनका नाम है, और उन्होंने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था किसके माध्यम से, तो लेज़र लाइट होता है उसके माध्यम से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द एनिमेटेड ग्राफिक स्टार्टअप जीफी हैज बीन रिसेंटली एक्वायर्ड बाय विच कंपनी। देखिए जो आप कभी कभी मोबाइल पे भी देखते होंगे, जो GIF आप भेजते होंगे, ठीक है ना, जो शॉर्ट वीडियो थोड़ा सा चलता रहता है, तो इस कंपनी को जिसका नाम है जीफी, उसको किस कंपनी ने एक्वायर्ड कर लिया है, किस कंपनी ने खरीद लिया है। ये एक्चुअली एनिमेटेड ग्राफिक्स का काम करता है ये कंपनी, इसको कौन सा कंपनी ने खरीद एक्वायर्ड कर लिया है, तो देखिए फेसबुक ने एक्वायर्ड कर लिया है, ठीक है, याद रहेगा। फेसबुक ने अनाउंस किया है कि ये अब जीफी को जो है एक्वायर्ड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस इज एन एनुअल इवेंट दैट टेक्स प्लेस ऑन, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस ये कब होता है, किस इवेंट को कब हम मनाते हैं, तो इसका भी 16th मई आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16th मई एवरी ईयर, हर साल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली जो है SCO, रिसेंटली द SCO मीटिंग हैज बीन हेल्ड
जो हेल्ड हुआ है सीईओ मीटिंग का, उसको कौन जो है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, ठीक है। तो हाल ही में जो SCO, देखिए SCO का फुल फॉर्म क्या होता है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो अभी हुआ है इसका अध्यक्षता, उसका इस जो अभी जो हुआ है बैठक इसका, तो इसका अध्यक्ष कौन किया था, कौन सा कंट्री जो है होस्ट किया था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो रसिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रसिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड देयर स्टेट डे ऑन 16 मई, कौन सा राज्य का 16 मई के दिन जो है वो उसका स्टेट डे के रूप में माना जाना जाता है। और देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम ही वो राज्य है जो कि 16 मई को अपना स्टेट डे के रूप में सेलिब्रेट किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड द GOI प्रोग्राम टू मेक ट्राइबल यूथ इफिशियंट, हाल ही में आदिवासी युवा को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभ आरंभ किसने किया है, ठीक है, GOI कार्यक्रम का, ठीक है, इसका जो है शुभारंभ किसने किया है, ये गोल नहीं है एक्चुअली, GOI कार्यक्रम है, ठीक है, तो ये किसने किया है सक्सेसफुली, तो अर्जुन मुंडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जुन मुंडा ये ट्रैवल मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट है कि हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड द MIRAHD COVID-19 डैशबोर्ड, हाल ही में किसने MIRAHD COVID-19 डैशबोर्ड विकसित किया है, तो IIT गांधीनगर ने यह विकसित किया है डैशबोर्ड। नेक्स्ट है हु हैज़ रिसेंटली फाउंड सिम्टम्स ऑफ कावासाकी डिजीज इन द कंट्रीज COVID-19 पेशेंट, अभी क्या हुआ है कि COVID-19 के जो पेशेंट हैं उनके उनके अंदर एक जो नया एक तरह का डिजीज पाया गया है, इसका नाम है कावासाकी, ठीक है, ये रोग के लक्षण पाए गए हैं, किस कंट्री ने ये बात कही है, कहाँ के लोगों का ये बात हो रहा है, किस कंट्री में, तो इटली है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, इटली में ये लक्षण पाया जा रहा है वहाँ के नागरिक को, ठीक है। विच स्कीम हैज़ कंप्लीटेड 4 ईयर सक्सेसफुली रिसेंटली, ठीक है, कौन सा वो स्कीम है जिसका 4 साल जो है सफलतापूर्वक स्कीम जो है वो हुआ है संपन्न अभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, और देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्ज्वला योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना। और देखिए उज्ज्वला योजना के अंदर आप समझिए कि मतलब गैस सिलेंडर जो LPG गैस होता है, तो बहुत लोगों के पास जो गैस सिलेंडर नहीं था, लोग खाना नहीं बना पा रहे थे, तो अभी इस योजना के माध्यम से सरकार अभी तक 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को घर घर गैस पहुंचाने का कार्यक्रम किया है, और 4 साल मतलब हो चुके हैं, 1 मई 2016 को ये स्कीम लॉन्च हुआ था आज से 4 साल पहले, और अब जो है वो 4 साल कंप्लीट हो चुका है, जितने भी लोग BPL के नीचे आते हैं उन सभी को ये फैसिलिटीज़ दिया गया था, उनके घर घर पहुंचाया गया था LPG गैस सिलेंडर, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि होपमैन कप ये किस खेल से संबंधित है, होपमैन कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, इसका आंसर कमेंट करके आप जवाब देना, ठीक है। तो ये रहा करंट अफेयर्स का क्लास, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।